तो आज है 30 नवंबर और आज का दिन में पता नहीं क्या होने वाला है। आज पूरी पूरी तैयारी है कि आज मैं अपनी दीदी की, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि दीदी की बेबी को देखने जाऊंगी, मतलब है फुल प्लान। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट जाने वाले हैं आज। तो से वापस से मेरी डाइट स्टार्ट हो गई है, मैंने 3 दिन का ब्रेक बोला था, 3 दिन हो चुके, पता भी नहीं लगा कब हो गए। तो आज से वापस से स्टार्ट हो रही है, अजीब सा लग रहा है। तो भाई ब्रेकफास्ट में मेरे पास 3 eggs और ये है मल्टी ग्रेन ब्रेड और 1 cup दूध। आज है कनव की छुट्टी क्योंकि आज है लास्ट वर्किंग डे और ये घर पे ही पढ़ाई कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि कल आपका पेपर है। तो यहाँ से मम्मी बेबी के लिए ना कपड़े ले रही हैं। तो ये रहा बेबी, आई एम सॉरी मैं आपको इसकी अभी शक्ल नहीं दिखा सकती। नहीं है बेबी से और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपनी इन दीदी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ, तो उनका बेबी देख के मेरे को हद खुशी हो रही है ना। बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो भाई आज का दिन हो गया हमारा एंड और आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल गया, पता नहीं कैसे। ये बेबी को भी देखा है और बहुत ही अच्छा लगा उनके बेबी को देख के, बहुत 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 क्यूट है वो, बहुत प्यारा है। मिलते हैं हम आपसे कल। हाय गाइस, तो आज है 1 दिसंबर और आज का प्लान ये है कि आज मैं जा रही हूँ फूड रिव्यू की वीडियो बनाने। हर वीडियो में बोलती जा रही हूँ, पर आज तो पक्का से जा ही रही हूँ मैं। जाएंगे लाइक 3-4 बजे और आज नानी भी आ रही है घर पे और मूड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मम्मी जा रही है उज्जैन 3 दिनों के लिए, जो वहाँ पे शिव जी का वो है वहाँ पे जा रही है। वो 3 दिन बाद आएगी, यानी कि मंडे सुबह आएंगी, आज फ्राइडे है। पता नहीं है 3 दिन कैसे कटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा घर संभालना है। तो आज का ब्रेकफास्ट है सिर्फ मल्टीग्रेन ब्रेड और 1 cup दूध। तो भाई मम्मी कर रही है फुल पैकिंग, मम्मी लिपस्टिक, बिंदी, इसमें मेडिसिन और इसमें कपड़े, और मम्मी मेरे को जा रही है छोड़ के 2 दिन के लिए। अच्छा लग रहा होगा ना आपके पास? फीलिंग क्या है आपकी? आई एम सैड बट आई एम एक्साइटेड आल्सो। अच्छा, बिकॉज अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ जा रहे हैं। उनको याद आएगी हमारी? किसको? आपको हमारी आएगी याद? ऑब्वियसली आएगी यार। पहली बार जा रही हूँ मैं तो, लोग कुछ होते हैं जा रही है, जैसे जैसे मम्मी की जाने का टाइम आ रहा है ना, मेरे फेस पर ग्लो भी जल जा जा रहा है। और मेरे को कौन बोलेगा घर पे मलाई लगा ले, बेसन हल्दी लगा ले, ये कर ले वो कर ले। नहीं, मैं तो हो चुकी हूँ एकदम रेडी जाने के लिए अपनी फूड रिव्यू की वीडियो के लिए एकदम फुल। आज मैंने ना ये वाली पहनी है जीन्स और टेंगे फंकी लुक किया है आज मैंने, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मन कर रहा। तो भाई जैसे मैंने बोला था कि ये कभी जल्दी नहीं आ सकता, ये आज भी लेट ही आया और हमने अपना फाइनली फूड रिव्यू कर लिया। इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था और बन गया फूड रिव्यू का वीडियो। अब फटाफट जा रही हूँ घर क्योंकि मम्मी जा रही है उज्जैन, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम टू टाइम घर पहुँच जाऊँ और उनको साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ मैं, है ना। तुमको पता ना मम्मी जा रही है, तो अब चलते हैं हम अपने घर वापस। तो भाई मम्मी जा रही है और लाइक 40 मिनट्स या 45 मिनट्स उनके जाने में और मैं लिटरली रोने लग गई थी, मेरी आँखों से पता लगा होगा मैं रोना आ गया था मेरे को, क्योंकि मैं कभी नहीं रही ऐसे मम्मी के बिना 2-3 दिन, तो इस वजह से बहुत ही बुरा लग रहा है। बट कोई नहीं, 2 दिन थोड़े धीरे कटेंगे, मुझे पता है वैसे दिन जल्दी जल्दी बीतते हैं, इस बार बहुत धीरे धीरे कटेंगे, देख लेना। तो यहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट कैप्चर हो गया है। मम्मी तो हमारी जा चुकी है और ट्रेन में भी बैठ चुकी है, मेरी वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी उनसे, सेफली रीच हो गई है। बस मैं ये चाहती हूँ सेफली ट्रेन में चली जाए, सेफली पहुँच जाए, सेफली दर्शन कर ले, सेफली आ जाए, सब कुछ सेफली हो जाए। बस आपसे मिलेंगे हम कल। गाइस, तो आज है 2 दिसंबर, यार पता ही नहीं लगा ये साल कितनी जल्दी निकल गया, ऐसा लगा आग झपका के ये बहुत जल्दी निकला है 2023 का ईयर, कसम। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मैंने चल मम्मी भी नहीं घर पे, तो जो सुबह 1-2 चीज़ें करती हैं वो उठ के, तो काम मैंने ही कर लिए। और सुबह उठी ना मैंने एक बार, मम्मी मैंने 1-2 बार ना आज भी मारे, मैं मम्मी तो है ही नहीं करते, आदत ही लग गई है। आ रही हूँ अभी, फटाफट जा रही हूँ मैं जिम, फिर जिम से आऊँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो भाई ब्रेकफास्ट में किया जा रहा है मैगी का, कन्नू ब्रेकफास्ट कर रहा है, मैगी खा रहा है आज क्योंकि इसको मेरी अच्छी लगती है मैगी, अच्छी है ना। और मैं खा रही हूँ यहाँ पे सैंडविच टमाटर प्याज और खीरे का। ओ भाई आज कल लंच तो मैंने ही बनाया था क्योंकि लंच की ड्यूटी मेरी हो गई है और डिनर की ड्यूटी है पापा की, डिनर बनाएंगे पापा क्योंकि मम्मी है नहीं, गई हुई है इस वजह से। सच्ची हालत ख़राब हो गई यार, रोटी भी बनाई मैंने, सब्जी भी बनाई, हालत ऐसी हो गई यार, मतलब मम्मियों को तो भाई सब सल्यूट है कसम से यार, इतना काम करती है हमारे लिए, रोटी सब्जी बनाती है, कभी कंप्लेन नहीं करती, और आज एक बारी में ऐसी हालत हो गई मेरी कसम से यार। अपनी मम्मियों की कदर करा करो, कसम से कह रही हूँ, कदर करनी बहुत ज़रूरी है हर एक छोटे छोटे काम की उनकी।
तो आज शाम को मैंने बनाई थी डालगोना कॉफी, जो COVID-19 के टाइम में बहुत वायरल हुई थी रेसिपी। भाई अब आ चुकी है सबसे मुश्किल घड़ी, क्योंकि मम्मी तो है नहीं घर पे और पापा को भी एक बहुत अर्जेंट काम से ना जाना पड़ गया। अभी उन्होंने मेरे को कहा था मैं जाऊँ या रहने दो, मैं कहा चले जाओ कोई बात नहीं, अर्जेंट है तो आप चले जाओ। तो लेट नाइट ही आएंगे रात को, पता नहीं या तो सुबह भी हो सकती है, उनको 4 बज सकते हैं आराम से। लेकिन दिक्कत है कि सोऊंगी कैसे, क्योंकि मैं डर लगेगा, अकेले कभी सोई नहीं हूँ, एक दो बारी हुआ है और मैं सोई भी नहीं थी पूरी रात तब भी। बट कोई नहीं, कोशिश करूंगी सोने की, थोड़ा सा लेट सो जाऊंगी या पापा जब तक आ जाएंगे 2-3 बजे, तो तब सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कन्नू का वो तो आराम से 2-3 बजे टीवी आज देखने वाला है पक्का से। यार आज बिग बॉस देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगा कि तहलका भाई इविक्ट हो गए। ये चीज़ बहुत गलत है, अगर इविक्ट करना था तो अभिषेक को भी करना चाहिए था और अरुण को भी करना चाहिए था। मैं सीरियसली, मेरे को तो यही लगता है। करते हैं फटाफट थोड़ा सा अरेंजमेंट की क्या करना है, अब क्या नहीं करना, कोई मूवी वूवी सर्च करती हूँ। अब कल के दिन मिलते हैं आपको। हाय गाइस, तो आज है 3 दिसंबर और अभी बज रहे हैं 2 और मैं अभी अभी उठी हूँ सच्ची में 1:30, क्योंकि रात को ना नींद नहीं आ पा रही थी मेरे को बिल्कुल भी। तो मैं इतना सारा तेल डाला था, इतनी सारी चंबी करी अपने बालों में, मेरे को तो डर लग रहा था नहीं आज तेल निकलेगा नहीं निकलेगा, समझ में नहीं आ रहा। तो आज ट्रेन है मम्मी की 6:30 बजे की, तो आज मम्मी वहाँ से निकल जाएगी, तो कल सुबह हमारे पास 7-8 बजे तक मम्मी पहुँच जाएगी। फाइनली प्लान है कि शायद रात को पापा, मैं और कनू बाहर जा रहे हैं डिनर करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे ही। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कहते मेरे पे ना मत जाओ, कहते हमको तो जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मम्मी से बात की थी तो कही थी कि वो ट्रेन में बैठ गई हैं और कल सुबह तक ही आएंगी। वो याद आ रही है मम्मी की बहुत, एक बार भी नहीं याद किया तो मम्मी को, फोन छोड़ता है टीवी छोड़ता है तो मम्मी मम्मी। अरे बेटा सुबह नहीं आती ना, रात को तो आती है, क्योंकि मम्मी तो ऑफिस चले जाती है सुबह, इसलिए। मेरे को बहुत सारी शादियों के इनवाइट आए थे, मतलब मेरे दोस्तों की सगी बहन सगे भाइयों की शादी में काफ़ी इनवाइट आए। अभी भी 2 आ चुके हैं, अब आने वाले जनवरी फरवरी में भी आने वाले हैं, मेरे को पता है। अब अगले साल तो मेरे को लगता है मेरे दोस्तों की शादी होने लग जाएगी, है ना। बिल्कुल फुल लक्षण है यार, फुल। अभी बज गए हैं 6 और हम कर रहे तैयारी एकदम जाने की पापा के साथ बाहर डिनर करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। खाएंगे पिएंगे। हम तो निकल पड़े हैं भाई बाहर डिनर करने के लिए, मौसम बढ़िया हो रहा है आज बाहर का, हल्की सी बारिश हो रही है। पर ये है हमारी फिश, तो भाई नेक्स्ट हम खा रहे हैं कबाब रोल और चिकन लेग पीस। ये शॉप बहुत ही बढ़िया है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। अब हम जा रहे हैं अपने घर की और ओके गाइस, तो आज के दिन को करते हैं हम यहीं पर एंड, अब हम आपसे मिलेंगे कल। गाइस तो आज है 4 दिसंबर और आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि आज मम्मी जो है वापस आ चुकी थी सुबह, उनका फ़ोन आया था कि गेट खोलो। सुबह हम गए, मम्मी को तो झप्पी पाई हम दोनों कन्नू और मैंने, क्योंकि पापा सो रहे थे। इतनी खुशी हुई है तब से, इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो ये मम्मी वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आई है हमारे लिए। वापस आ गई, मेरे को छोड़ के चली गई थी। और कैसा था ट्रिप? बहुत बढ़िया, हम स्पेशली मम्मी और सिस्टर के साथ मजा किया, बहुत स्ट्रेस उतर गया सारा। बिल्कुल महाकाल जी के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, वो सबसे बढ़िया। मम्मी कह रही है बहुत ज्यादा चेंज हो गया उज्जैन का, वो सब कुछ टेम्पल कॉरिडोर बन गया है वहाँ पर, बहुत सुंदर बन गया है। महाकाल जी के दर्शन करना भी बहुत अच्छा हो गया, इजी हो गया है पहले से, लाइन वगैरह बहुत, फैसिलिटीज वहाँ पर बहुत अच्छा, सब कुछ हो गया बढ़िया, और मंदिर भी बहुत बढ़िया बनवा दिया है। देखना भाई, जाओ सब जाओ जैन में, महाकाल के दर्शन करो, इतने सुंदर दर्शन होंगे, इतना सुंदर आपको लगेगा वहाँ पर शिव जी का ये रूप, बहुत अच्छा। मैं आगे कैसा लग रहा है भाई? बहुत ज्यादा अच्छा, सच्ची बता। हाँ सच्ची में, थोड़ा भी इमोशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा लगा, है ना, अच्छा लगा, मजा आया, याद तो किया नहीं तुमने मम्मी को। तो आज फाइनली माँ के हाथ का खाना पनीर मटर आ चुका है। ओके गाइस, तो आज ना ज़्यादा मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाई, क्योंकि पूरे दिन ना मम्मी के पास बैठी हुई थी और पूरे दिन हम बातें करे जा रहे थे, बातें ही करे जा रहे थे, बातें ही नहीं खत्म हो रही थी आज तो हम लोगों की, एकदम दिमाग से ही निकल गया यार ब्लॉग बनानी है, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई है, ज़्यादा बना ही नहीं पाई मैं। तो हम अपनी ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, बाय।